सैटरडे नाइट को मोहम्मद आरिफ नाम के एक बंदे का कत्ल किया गया फलकनामा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में। इसमें चार लोगों को गिरफ्तार किए, इसमें A1 है समी मोहिद्दीन जो हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के होमगार्ड है, और A2 उसका भाई अमजाद मोहिद्दीन और उनके दोस्तों मोहम्मद अली आमिर मोहम्मद खान, चारों को गिरफ्तार किए। इसमें इसके पीछे ये है कि ये मोहम्मद आरिफ जो है वो एक लड़की से शादी करने का इरादा था, जनवरी में करने वाले थे दोनों, लेकिन पिछले 2-3 महीने से उनका वो लड़की का तबीयत ठीक नहीं था, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी है उनके रिसेंटली आ गए। तो लड़की एक बाबा बॉम्बे में रहने वाले एक बाबा के पास गए और बाबा बोले कि इस पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था, और इसको शक लग गया कि ये समी जो उसका समी का ये साला है, ये उसका आरिफ का सिस्टर, आरिफ का जीजा, आरिफ का जीजा समी, उसका इस पर इल्ज़ाम लगा है कि समी ये सब ये ब्लैक मैजिक जो है ये करवा रहा है। वो बहुत बार उसके घर में जाके बहुत उसको तंग किया और उसको इसलिए उसको थोड़ा पैसा भी दिया समी उसको चुप रहने के लिए, लेकिन फिर भी वो रोज़ आके उसको तंग कर रहा था। और उस सैटरडे रात को अपने भाई और उनको भाई के दो दोस्तों उनसे पैसे दे के बोला कि उसको ख़त्म करने का, और उसी दिन रात 11 बजे के आसपास उसके घर में जाके उस पर अटैक किए, उसके हॉस्पिटल लेने आने के बाद हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई। और समी मोहिद्दीन जो होमगार्ड है हुसैन आलम PS के, उसको सर्विस से भी डिसमिस कर दिया जाएगा उस पर रिपोर्ट लगा के, और वे चारों को अभी गिरफ्तार किया। सर पब्लिक की सेफ्टी करने वाले ही अगर ऐसा प्लानिंग करें तो पब्लिक कैसा सेफ रहेगी? उस पर एक्शन लेंगे, उसको सर्विस से डिसमिस भी करेंगे। हम कर रहे हैं, पूरे प्रयास कर रहे हैं, जो कुछ भी करना है कर रहे हैं। साइलेंट तो लोग।